हेलो फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाणी आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं फ्रेंड्स सीबीडीटी का 18 जुलाई 2020 को एक प्रेस रिलीज था जो बात करता है ई कैंपेन ऑन वॉलेंट्री कंप्लाइंस ऑफ इनकम टैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 यानी असेसमेंट ईयर 2019-20 जिसका लास्ट डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का थर्टी जुलाई 2020 थाउजेंड ट्वेंटी यहाँ पे एक वॉलेंट्री कंप्लायंस के रिगार्डिंग में बात किया गया है जिसके रिगार्डिंग में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई कैंपेन स्टार्ट कर रखा है अभी आप इस वीडियो के साथ में एंड तक जुड़े रहिए ये जानने के लिए कि ये वॉलेंट्री कंप्लायंस किसको करना है और इस ई e कैंपेन को करने से आपको क्या एडवांटेज होगा और फ्यूचर में कौन कौन से परेशानी से आप बच सकते हैं तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम एक बार नजर डालते हैं उस प्रेस रिलीज के ऊपर में जो सीबीडीटी ने रिलीज किया है फ्रेंड्स जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं ये दो पेज का प्रेस रिलीज है दिस इज माई पेज नंबर वन एंड दिस इज माई पेज नंबर टू और इस प्रेस रिलीज को हम डिटेल में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस प्रेस रिलीज के अंदर में कौन कौन सी बातों को इंपॉर्टेंस दिया गया है तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रेस रिलीज को सबसे पहले जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये प्रेस रिलीज है एक और ये प्रेस रिलीज जो है सीबीडीटी का है एटीन जुलाई टू को है जहां पर सीबीडी एक ई e कैंपेन स्टार्ट करने का बात कर रहा है ऑन वॉलेंट्री कंप्लाइंस ऑफ इनकम टैक्स इनकम टैक्स का वॉलेंट्री कंप्लाइंस होगा फॉर फाइनेंशियल ईयर ईयर 2018-19 यानी फॉर द असेसमेंट 2019-20 जो के कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा ट्वेंटी जुलाई 2020 से दोस्तों जैसा कि लास्ट डेट है आप सब जानते हैं कि 31 जुलाई 2020 है तो यहां पे 11 दिन का एक विंडो दिया गया है फ्यूचर के जो प्रॉब्लम्स जो नोटिस आपको आ सकते थे उनको आप अवॉइड कर सकते हैं तो देखते हैं दोस्तों इस प्रेस रिलीज में किन किन बातों के ऊपर में इंपॉर्टेंस दिया गया है तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहां पे बताया गया है कि ट्वेंटी जुलाई यानी मंडे के दिन ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई कैंपेन स्टार्ट किया है वॉलेंट्री कंप्लाइंस को लेके और ये टोटल 11 दिन इस कैंपेन को रन करेंगे जो कि एंड हो जाएगा थर्टी जुलाई को July, जो कि मेरा income tax return for financial year का last date है और यहाँ पे ये जो कैंपेन है ये ये किसके लिए run किया गया है? ये भी बताया गया है है भी बताया फर्स्ट नॉन फाइलर्स नॉन फाइलर्स दोस्तों वो है जिनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना था पर उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 दे बिकम द नॉन फाइलर्स एंड सेकेंड जिनके भी इनकम टैक्स रिटर्न के फाइल हो चुके हैं लेकिन कुछ डिस्क्रिपेंसी वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से पाया गया है यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने रिकॉर्ड को अपने डेटा को चेक किया आपने जो डेटा इनकम टैक्स रिटर्न में सबमिट किया था उसके साथ में और कुछ डिफरेंस उसके अंदर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पाया तो दोस्तों यहां पे इस ई e कैंपेन का ऑब्जेक्टिव आप जान लीजिए टैक्स पेयर को वैलिडेट करना है ऑनलाइन ही वैलिडेट करना है दोस्तों वैलिडेट करने का मतलब है कि अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसको डिपार्टमेंट को बताना है रिगार्डिंग टैक्स या कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपने कर रखा है जिसका इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में अवेलेबल है फॉर फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड और यहाँ पे एक वॉलेंट्री कंप्लाइंस आपके लिए प्रमोट करना है और डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर आप वॉलेंट्रिली कंप्लाइंस कर देते हैं तो फ्यूचर में आपको कोई नोटिस या कोई भी किस्म का स्क्रूटनी प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा दोस्तों इस ई e कैंपेन को रन करने के लिए हेल्प लिया गया है डेटा एनालिटिक्स का और इस डेटा एनालिटिक्स के साथ में इस ई e कैंपेन को रन किया गया है तो इस ई e कैंपेन में फ्रेंड्स सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से ईमेल या एसएमएस जो है टैक्स पेयर्स को सेंड किया जाएगा और सारे टैक्स पेयर्स को नहीं सेंड किया जाएगा कुछ टैक्स पेयर्स जिनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई किया है और क्यों आइडेंटिफाई किया है क्योंकि उनके कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिले हैं ई रिपीट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स रिपीट डिपार्टमेंट को मिले हैं जो आपके साथ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेरीफाई करना चाहता है हो सकता है कि आपके डिक्लेरेशन के साथ में वो इनकंसिस्टेंट था तो ये जो डेटा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी सोर्स से मिल सकता है जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यानी एस एफ टीडीएस फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर में रिटर्न फाइल किया था और उस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर में TDS, एक पर्टिकुलर डिडक्ट अमाउंट था लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्वेंटी सिक्स एस को चेक करता है और पाता है कि टी डी एस वहां पर कुछ एक अलग अमाउंट के ऊपर में कटा है तो यहां पे जो इनकं है उसके लिए भी आपको यहां पे डिपार्टमेंट के तरफ से नोटिस आएगा वैसे ही टीसीएस या फॉर्म फिफ्टीन सीसी या भी जीएसटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी डेरिवेटिव कमोडिटी म्यूचुअल फंड एंड वॉट नॉट सारी चीजों से डेटा एनालिटिक्स का यूज किया जाएगा और उसके बाद में आपको ईमेल या एसएमएस के थ्रू से वेरीफाई करने के लिए कंफर्म करने के लिए या भी कुछ ऑप्शन है पांच ऑप्शन उसको चूज करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मैसेज भेजा जाएगा हो सकता है दोस्तों आपका मेल जो है वो स्पैम में चला गया हो तो डेफिनेटली एक बार आप अपना स्पैम भी चेक कर लें और अगर डीएनडी अपने फोन पे आपने एक्टिवेट कर रखा है या कोई दूसरा ऐसा फोन दे रखा है जो नंबर स्विच ऑफ है तो मैं आप सबसे वैसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार पोर्टल में लॉग करके चेक कर लें कि कहीं आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कोई इस किस्म का कैंपेन का नोटिस तो नहीं आया हुआ है तो दोस्तों यहां पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये डिस्कस किया गया है कि थ्रू डेटा एनालिसिस हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया गया है सबको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन अभी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस क्या है वो इस प्रेस रिलीज में बताया नहीं गया है तो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हम मान के चलते हैं कि एक लिमिट के ऊपर में उस का वैल्यू जाएगा तो उसको हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन कंसिडर किया जाएगा तो उस हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन को थ्रू डेटा एनालिसिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई किया है और ये भी पाया है कि इनकम टैक्स रिटर्न रिटर्नसी ने फाइल नहीं किया है ऑफ हैविंग दिस हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन या तो उसने इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल किया है वो इन लाइन नहीं हो रहा है जो डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में है तो दो केसेस के बारे में और एक बार मैं आपको बता दूं या तो आपने हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किया है लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है लेकिन आपको करना था ये पहला केस बन जाता है और दूसरा केस आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लिया है और आपने हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किया है लेकिन जो इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल किया है वहां पे जो डिक्लेरेशन दिया है वो मैच नहीं कर रहा है जो भी डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है तो इस सर्कमस्टेंस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बोलता है कि आप पोर्टल में जाइए और पोर्टल में जाके पांच ऑप्शन दिया गया है उन पांच ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें वो सारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो डेटा आपके सामने रखा है जो डिटेल्स आपके सामने रखा है जो इंफॉर्मेशन आपको बताया है क्या वो करेक्ट है क्या दैट इज नॉट फुली करेक्ट या फिर रिलेटेड टू अदर पर्सन या रिलेटेड टू अदर ईयर है या फिर वो इंफॉर्मेशन जो है वो डुप्लीकेट है या फिर इंक्लूडेड इन अदर डिस्प्लेड इंफॉर्मेशन या फिर आप उस इंफॉर्मेशन को डिनाई कर रहे हैं इन पांच ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आपके लिए जो भी एप्लीकेबल है उसको चूज कर लीजिए और यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये बताया गया है कि आपको इनकम टैक्स ऑफिस विजिट करने का कोई ज़रूरत नहीं है अपने रिस्पॉन्स को आपको ऑनलाइन सबमिट करना है और अंत में यह बताया गया है कि थर्टी जुलाई टू इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का लास्ट डेट है फॉर असेसमेंट ईयर ईयर 2019-20 यानी फाइनेंशियल 2018-19 तो इस ऑप्शन को आप उसके अंदर ही अवेल कर लें सो दैट फ्यूचर में आप किसी भी किस्म का नोटिस या स्क्रूटनी से बच सकते हैं तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि हमने यहां पे जो डिस्कशन किया है आपके लिए रेलिवेंट रहा होगा तो आप सब एक बार अपने पोर्टल में जाके चेक करें या फिर मैसेज अपना चेक करें मेल चेक करें अगर कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन कर रखा था डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट क्या आपने रिटर्न फाइल कर रखा है या नहीं रखा है अगर आपको लगता है ये डिफरेंस है और आपके पास में ये नोटिस आया हुआ है आप उसको लेके कंप्लाइंट कर लीजिए एंड प्लीज अगर आपको अच्छा लगा है कंटेंट तो वीडियो को एक लाइक like कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर कर दीजिए एंड हमारे चैनल से के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ Thank you very much.